नोबेल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि पीजी की तैयारी करना चाहते हैं। देश के अंदर कहीं से भी यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से की है और आप एमएससी करना चाहते हो, पीजी की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 2022 प्री पीजी राजस्थान के लिए जो एग्जाम होता है उसमें जिन बच्चों ने टॉप किया पूरे राजस्थान के अंदर, जिनकी बेहतरीन रैंक आई, उन बच्चों ने कैसे पढ़ाई की, किन से पढ़ाई की, क्या कंटेंट पढ़ा, क्या उनका पूरा शेड्यूल रहा, क्या संस्थान का शेड्यूल रहा, उसकी पूरी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। और यदि आप भी इस संस्थान के साथ फिर जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए बैच कब से शुरू होगे उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि यदि हम आपकी संस्थान के साथ या किसी अच्छे संस्थान के साथ जुड़ जाएं तो क्या इस चीज की गारंटी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे, स्पेशली मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के लिए बात करूंगा, हमारे यहाँ आप कोई सी भी कैटेगरी का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो औसत दर्जे का हो या फिर पढ़ाई में पुअर हो, हम किसी भी बच्चे की आज तक गारंटी नहीं लेते, ना इन फ्यूचर लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे का सिलेक्शन कराने में केवल संस्थान की भूमिका नहीं रहती, ज्यादा भूमिका बच्चे की खुद की होती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि संस्थान के अंदर यदि हम 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे वापस घर पे जाके इनको वापस पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। हमारे पढ़ाने के बाद में हमारे यहां से डायरेक्ट आपने क्लास ले ली, उसके बाद में डायरेक्ट आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या मैं यूं कहूं कि बहुत कम चांस है सिलेक्शन होने का। अब आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन सर हो, तो हमारे पढ़ाने के बाद में यदि आप सेल्फ पढ़ते हो, वापस बार बार रिविजन करते हो, कंटिन्यू टेस्ट लेते हो और जो हम सिस्टम फॉलो पूरी साल करते हैं, अगर आप खुद ईमानदारी से वो फॉलो करते हो तो ही आपको सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको बहकाओ में आके एडमिशन नहीं लेना है। रॉयल का रिजल्ट बढ़िया है, यहां जाने से एडमिशन होता है, अच्छी कॉलेज मिलती है, ये बात तो सही है, लेकिन केवल एडमिशन लेने से नहीं होगा, इसके साथ में आपको कंटिन्यू जो संस्थान के द्वारा कहा जाए वो फॉलो करना होगा। अब अपन आते हैं मेन अपने सब्जेक्ट पे। सबसे पहले कि सर प्री पीजी 2022 में टॉप किसने किया, तो हमारी निकिता मीन जो बच्ची है इसने ऑल राजस्थान टॉप किया है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से और इसके 283 नंबर आए। कई बच्चों के डाउट भी रहता है कि टॉपर के कितने नंबर आए, तो इसके कितने नंबर आए, 283 इतने नंबर आए, पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक रही। इसके अलावा आप स्क्रीन पे जो बच्चे देख पा रहे हो फर्स्ट रैंक देख पा रहे हो, आप 4 बच्चों के सेकंड देख रहे हो, 3 के, 4th एक बच्चे के और 6th जो है 2 के और 8th और 9th एक एक बच्चे के हैं। ये जितने भी रैंक हैं ये हॉर्टिकल्चर और आपकी जनरल एग्रीकल्चर दोनों की रैंक है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये रैंक है। तो इतने बच्चे इस साल 2022 के हैं जो कि इस रॉयल संस्थान के अंदर टॉप 10 के अंदर अलग अलग वर्ग में आए और पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक रही है। मैं जेईटी 2022 की बात करूं तो किशन बाकर वो भी नागौर का है, उसकी भी फर्स्ट रैंक रही। अगर मैं कृषि पर्यवेक्षक 2021 भर्ती की बात करूं तो उसी में भी अपने संस्थान से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक रही है। इसके अलावा सैकड़ों बच्चे नौकरियां लगे हैं। इसके अलावा आगे की मैं अगर बात करता हूं लास्ट ईयर आईसीआर के एग्जाम की, तो 200 से ऊपर बच्चे हमारे लास्ट ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होकर गए। अब लास्ट में मैं उन बच्चों की डिटेल बताऊंगा आपको जो कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे लास्ट ईयर, लेकिन अभी 8% बच्चे प्री पीजी की संस्थान से तैयारी करके और लास्ट ईयर उन बच्चों का जो है एडमिशन सरकारी यूनिवर्सिटीज में हुआ, पीजी हो, अच्छे डिपार्टमेंट से, अच्छी यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, उनकी डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसके जस्ट आगे के पार्ट में आपको बताऊंगा कि ये बच्चे कैसे टॉप किए, किस तरीके से इन बच्चों ने रैंक हासिल की, किन से पढ़े। सबसे मेन पहला मुद्दा आता है कि फैकल्टी अच्छी चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए। तो मैं उन लोगों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं जिन टीचर्स हैं, जिन गुरुजनों ने इन बच्चों को पढ़ाए हैं। देखते हैं अपन। नंबर वन में बात करता हूं, आपके यहां देखिए आप एनिमल हस्बेंड्री के लिए प्रियंका मैम ने इनको पढ़ाए हैं। इसके अलावा और फैकल्टी एनिमल हस्बेंड्री की है जिन्होंने इनको पढ़ाया। इसके अलावा एग्रोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं तो भवानी सर ने पढ़ाया, लंबा एक्सपीरियंस है सर के पास। इसके अलावा अंशुमान सर हैं, इन्होंने भी एग्रोनॉमी पढ़ाई। मैं पहले भी बता दूं आपको, इसके अंदर आपके अगर मैं बात करता हूं प्री पीजी में तो अराउंड 12+ मतलब 12 से ऊपर सब्जेक्ट है, तो सबके लिए हमारे पास अलग अलग फैकल्टी हैं और लगभग आपको 14+ मतलब 14 से ज्यादा टीचर पढ़ाएंगे। मैं एक एक के लिए आपको बता रहा हूँ। सोयल साइंस सुंडा सर बहुत गजब का पढ़ाते हैं, हरीश सर जो आपका पीबीजी पढ़ाते हैं बहुत शानदार पढ़ाते हैं, आप इनकी क्लासेस लेके देख सकते हो। आगे मैं अगर बात करूं तो लांबा सर है, ये भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। कुलदीप सर जो है एंटोमोलॉजी पढ़ाते हैं, विक्रम सर है ये भी आपको एंटो पढ़ाते हैं। इसके अलावा समीर सर आपके बायोलॉजी के जो चैप्टर है जैसे प्लांट फिजियोलॉजी आपका, इसके अलावा सेल बायोलॉजी है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, जो जो चैप्टर्स जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है वो समीर सर पढ़ाते हैं। हॉर्टिकल्चर में 2 सर है, मनोज सर है आपके और सोनू सर है। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है उसके लिए अशोक जी सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं और ये जो आपके सर है राधेश्याम जी ये आपको फॉरेस्ट्री पढ़ाएंगे। इसके अलावा एनिमल के लिए प्रियंका मैम के साथ में आपके कृष्णा सर भी है जो कि अभी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। आप देखोगे कि हमारे संस्थान के अंदर ये जितने भी फैकल्टी हैं बहुत शानदार पढ़ाती हैं। अब यदि आप इस संस्थान को ज्वाइन करते हो या फिर लास्ट ईयर जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था उनको हमने क्या क्या दिया था वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात रही कि फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे दी और कितने पढ़ाएंगे, तो 14+।
अब कई बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हम यदि ऑनलाइन नहीं पढ़ ले तो कैसा रहेगा, फिर हमें कौन पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ क्लासरूम लाइव क्लासेज है, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी लोगे तो ऑफलाइन का जो हमारा क्लासरूम है उसी की क्लास लाइव होगी। इसका मतलब सेम फैकल्टी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, पूरी क्लासेज आपको कोर्स के अंदर लाइव मिलेगी। प्लस यदि आप नहीं देख पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिल जाएगी, आप उनको बाद में भी देख सकते हो। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कॉलेज में कि सर हम ऑफलाइन आ जाएं और कुछ टाइम बाद में यदि हमें कुछ समय के लिए वापस जाना पड़े तो उस टाइम क्या होगा, तो हम आपको हाइब्रिड मॉडल देंगे। इसका मतलब है जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनको पूरा कोर्स हम ऑनलाइन फ्री देने वाले हैं, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। पैनल पीडीएफ जैसे मैं आपको अभी ये समझा रहा हूं, तो यदि आप ऑफलाइन बैच में हो तो हम एक एक पॉइंट आपको लिखाएंगे, और यदि आप ऑनलाइन हो तो आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट लिख सकते हो। मान लो किसी कारणवश आप नहीं लिख पाए तो इसकी पैनल पीडीएफ जो है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है, क्लास वाइज आपको अपलोड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज एक्सरसाइज शीट हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जैसे ही कोई सर आपको टॉपिक पढ़ाए आप घर जाके उसकी प्रैक्टिस कर सको और अगले दिन कोई डाउट हो तो पूछ सको। इसके बाद में ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में डाउट सेशन जो है क्लास से डाउट सेशन होंगे, तो वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को मिल जाएंगे। टेस्ट जो है रेगुलर हमारे टेस्ट होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे होंगे। टेस्ट सीरीज कंप्लीट कोर्स होने के बाद में एग्जाम से पहले हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, जो कि पहले टॉपिक वाइज होती है उसके बाद में ओवरऑल कोर्स के अकॉर्डिंग होती है। यह आपको फ्री मिलेगी, इसके साथ में ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। पुराने साल के जितने भी पेपर है पीजी के वो आपको सोल्व कराए जाएंगे, जिसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इस कोर्स के साथ में आपको डब्ल्यू का कोर्स फ्री मिलेगा, डब्ल्यू का कोर्स का अलग से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन में आते हो तो इसी कोर्स के अंदर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कोर्स है वो भी फ्री मिलेगा। इन तीनों कोर्स को मिला के हमारी टोटल फीस है 20,000 रुपए, जिसके अंदर हम आपको क्या देंगे, डब्ल्यू का कोर्स देंगे, प्री पीजी का कोर्स देंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स देंगे। यदि आप घर बैठे केवल ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो प्री पीजी के साथ में हम आपको डब्ल्यू का कोर्स फ्री देने वाले हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे की बात करता हूं आपको डेमो क्लासेस, सर हमें डेमो क्लास लेके देखना है तो आप हमारे संस्थान के साथ जुड़िए। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो 8, 9, 16 से लेके 20 तारीख तक आप संस्थान में बिना कोई चार्ज दिए डेमो क्लासेस लेके देख सकते हो। आप वैसे तो आप संस्थान को जानते हो, यहाँ की जो भी फैकल्टी मेंबर है उनकी क्लासेज यूट्यूब पे भी और रॉयल के ऐप पे भी, फिर भी कोई लाइव पढ़ के देखना चाहिए कि नहीं हम तो ऑफलाइन आके या फिर ऑनलाइन लाइव पढ़ के देखना चाहते हैं लाइव में कैसा पढ़ाते हैं और किस तरीके से हमारे समझ में आता है, तो आप लोग लेके देख सकते हो। ये पूरी क्लासेज आपको ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी, आप ऑनलाइन भी ये क्लासेज के देख सकते हो। तो ये पूरा कंटेंट है जो आपको हम अवेलेबल कराने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि लास्ट ईयर के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने ये पूरा सिस्टम फॉलो किया है। अब यदि किसी बच्चे को सिलेक्शन करवाना तो सबसे पहले सभी स्टाफ जो मेंबर्स हैं उनकी क्लासेस उनको लेनी है, पूरा कंटेंट पढ़ना है, खुद को पूरे नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में डीपीपी एक्सरसाइज शीट सॉल्व करनी है। डीपीपी एक्सरसाइज शीट सॉल्व करने के बाद में जो हम टेस्ट लेंगे उनको ईमानदारी से देना है। आप देखना निकिता जिसने टॉप किया उसकी सफलता का राज एक ही है, रेगुलर टेस्ट। आप उसका ऐप पे जाके देखोगे पुराना रिकॉर्ड तो आपको पता चलेगा कि उसने पूरे टेस्ट दिए और जितने भी जो टेस्ट दिए उसमें आप देखो उसकी लगातार उसने इंप्रूव किया है। अब यदि आप पीजी का कोर्स लेते हो तो आपको कहां कहां बेनिफिट होगा, बीएचयू का पेपर दोगे उसमें भी आपके काम में आएगा, अदर स्टेट का पेपर दोगे वहां पर भी काम में आएगा, पीजी के कोई भी एग्जाम उन सब में काम में आएगा, बैंक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका ये पीजी का पूरा कोर्स काम में आने वाला है, डब्ल्यूओ के लिए भी काम में आएगा, आफ्टर ग्रेजुएशन कोई सा भी आप एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं पीजी का कोर्स आपके काम में आने वाला है। अब एक मैं एक बात यहां बिल्कुल आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं कि डब्ल्यूओ का कोर्स सर मुझे प्योर हिंदी में चाहिए। मैंने कहा आपने क्या कर रखा है, अरे सर मैंने बीएससी कर ली, कब की, मैंने 2 साल पहले सर बीएससी कर ली और मुझे प्योर हिंदी के अंदर अगर डब्ल्यूओ का कोर्स मिल जाए तो आनंद आ जाए। मैं उस बच्चे को कहता हूं प्योर डब्ल्यूओ का कोर्स हम हिंदी में दे सकते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना आप, सभी बच्चे डब्ल्यू नहीं बढ़ेंगे मान के चलना, डब्ल्यू उतने ही बढ़ेंगे जितनी सीट है, इसका मतलब सबका तो नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली आपने मान लो, तो आपको नौकरी तो चाहिए, पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। अब अपन लगातार ही घर से पैसे थोड़ी मंगाते रहेंगे। आपने बीएससी कर ली, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने एमएससी भी कर ली या वो करने की सोच रहे हैं, या कुछ बच्चे एमएससी तो कर ले लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती इसलिए वो कर नहीं रहे। आपने अगर बीएससी कर ली तो बहुत सारे राजस्थान के अंदर ऐसे स्कूल है जहां पे एग्रीकल्चर की फैकल्टी चाहिए, टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। मेरे पास अक्सर रोज फोन आते हैं कि सर कोई टीचर बताओ आप जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की क्लास ले सके, बच्चों को पढ़ा सके। अब मैं कहां से बताऊं, कहां फंस जाता हूं मैं ये पूछता हूं कि सर हिंदी मीडियम को पढ़ाना है इंग्लिश मीडियम को, तो समस्या ये आती है कि सर 11th के अंदर आधे बच्चे हिंदी के आधे इंग्लिश के, मतलब एक बैच हिंदी मीडियम का और एक इंग्लिश मीडियम का। मैं जब बच्चे से बात करूं कि बेटा तेरे को जॉब चाहिए क्या, वहां स्कूल आप जाके पढ़ा लो 40,000 रुपए देंगे, अरे सर किनको पढ़ाना है, मैंने कहा 11th-12th को पढ़ाना है, अरे सर वहां हिंदी मीडियम है इंग्लिश, वहां तो दोनों ही है बेटा हिंदी पढ़ाना है एक बैच इंग्लिश, अरे सर मेरे तो क्या है कि हिंदी मीडियम से हूं मैंने बीएससी भी हिंदी से की इसलिए इंग्लिश में डर लगता है इंग्लिश नहीं ले पाऊंगा। हद हो गई, पूरी उम्र ये डर लेके साथ में चलोगे आप? एक बार मैं ईमानदारी से कर रहा हूं दिमाग में सेट कर लो कि मुझे हिंदी मीडियम का हूं कोई तकलीफ नहीं है लेकिन इंग्लिश मीडियम सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है मुझे, बेसिक सीखनी है,
कोई मंच पे ले जाके खड़ा कर दे तो आपको बोलना आना चाहिए, कम से कम पढ़ाना आना चाहिए। उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आदमी कोई चीज सीखता है। तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, घर वालों पे ज्यादा भार मत बनो, और जो कमजोरी है उसको दूर करो। छोड़ दो थोड़े एक दिन मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम छोड़ दो, और डिक्शनरी लेके बैठ जाओ। 500 से ज्यादा वर्ड नहीं है जो आपको सीखने, उनको आप सीख लो, याद कर लो। अगर इंग्लिश नहीं आए आपको तो मेरी गारंटी है, आप कितने फोन करना, बीएससी किए हुए बच्चे के लिए हम हिंदी मीडियम का कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि हम पाप का भागीदार होना नहीं चाहते। आप सीखो, हम हिंदी में ही बोल के पढ़ा रहे हैं, कुछ चीजें हिंदी में ही लिखा रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पे, लेकिन आपको इंग्लिश भी सीखनी है, इसलिए हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं। सब कुछ हिंदी में बोल देंगे, लेकिन ज्यादातर चीजें इंग्लिश में लिखाएंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। सब WO नहीं बनोगे, पहले दिमाग में सेट करके बैठ जाओ, लेकिन सबको कमा के खाना ये दिमाग में सेट करना है, उसके लिए कुछ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके समझ में भी आए, और आपको ये दिमाग में सेट करना होगा कि मुझे सीखना है। क्या करना है? सीखना है, इसलिए बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, दोनों चीजें मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ज्यादातर टर्म्स जो है वो आपको इंग्लिश में मिलेगी, उसको हिंदी में समझा देंगे, और आपको वो सीखना है। इतना काम अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो ये हमारे लास्ट ईयर के बच्चे हैं 2021 में। इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, लेकिन 8% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीजी करने का सपना पूरा कर रहे हैं। ये सभी बच्चे हमारे जो कि पढ़ के सेलेक्ट होके गए, इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां से जो है, ये सभी बच्चे हैं, इनकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहां से डाउनलोड करके एक एक को देख लेना। पहले भी मैंने इनके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। ये सभी बच्चे हमारे दूर दूर के बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन के हैं। ये हमारा पूरा जो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो है। इसके अलावा 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारी पूरी जो टीम बिल्कुल A to Z पूरी प्रिपरेशन करके तैयार हो चुकी है। नए बैच हमने लॉन्च कर दिए हैं। 1 अगस्त से हमारी क्लासेज चल रही है। कब से चल रही है? 1 अगस्त से। इसके अलावा 16 अगस्त से वापस बैच शुरू हो जाएंगे। आप अभी भी आ सकते हो या फिर 16 अगस्त से आ सकते हो। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहे वो ऑफलाइन आ सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सर मैं ऑफलाइन आऊं या ऑनलाइन, ज्यादा बढ़िया कौन सा रहेगा? तो यदि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो मैं चाहता हूं आप घर पे बैठ के कमरा बंद करके आराम से नोट्स बना के ईमानदारी से घर पे पढ़ लें, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा मैटर ही हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। आप मेच्योर हो चुके हो, फोन का सही डायरेक्शन में यूज करो। इस फोन का ऐसे यूज करो कि जब तक आपके नौकरी नहीं लगे तब तक घर वालों के बाहर कम से कम हो। आप उदयपुर, जयपुर, जोबनेर, कोटा कहीं पर भी जाके अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो नहीं नहीं करते हुए महीने के 6 से 8 हजार रुपये का खर्चा आता है। उस खर्चे को आप बचा सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ें फिर भी आपको लगते हैं कि सर पैसों की कोई दिक्कत नहीं, मेरे वास्तव में माहौल नहीं है, मैं ऑफलाइन आना चाहता हूं, तो ऑफलाइन आप आ सकते हो। यदि कोई बच्चा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करता है तो उन बच्चों को ऑनलाइन कोर्स फ्री देंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। हमारे पास हॉस्टल व्यवस्था है, चाहे आप JET ICR BHU कृषि पर्यवेक्षक प्री PG किसी का भी कोर्स ज्वाइन करते हो AO का, तो हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल करा देंगे। हमारे पर्टिकुलर रूल्स हैं, यदि उन सबको आप फॉलो करते हो तो हम आपको सभी जो व्यवस्थाएं आपको चाहिए वो अवेलेबल करा देंगे। उदयपुर के अंदर पढ़ाई का अच्छा माहौल है। यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें। और कोई कोर्स ज्वाइन करके अगर भूल जाते हैं और रूटीन फॉलो नहीं करते तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, कम से कम हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि हमारे साथ यदि आप कंटिन्यू मेहनत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और अननेसेसरी आप घर वालों का पैसा बर्बाद करो। इससे बढ़िया आप कोर्स रहने दो। मैं चाहता हूं आप ईमानदारी से पढ़े तभी कोर्स लें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।